સંઘ પ્રદેશ દાદાનગર હવેલીની મુલાકાતે આવેલા કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન રાજનાથસિંહે ખાનવેલના ચૌડા ખાતે જાહેર સભાને સંબોધી સભા સ્થળ પરથી સંઘ પ્રદેશમાં કરોડો રૂપિયાના વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ તથા ખાતમુહૂર્ત કર્યું હતું. રાજનાથસિંહે પોતાના સંબોધનમાં દાદરાનગર હવેલીના સર્વાંગી વિકાસ માટે કેન્દ્ર સરકાર કટિબદ્ધ હોવાની ખાતરી આપી હતી. સાથે સંઘ પ્રદેશની સુંદરતાથી પ્રભાવિત થયેલા રાજનાથસિંહ મુંબઈની જેમ સંઘ પ્રદેશનો ફિલ્મી સિટી તરીકે વિકાસ થાય તેવી સંભાવના વ્યક્ત કરી હતી. मानव संसाधन मंत्रालय यानी से शिक्षा मंत्रालय पहले कहते थे, उसके साथ दादरा नगर हवेली में यूनिवर्सिटी खोलने के संबंध में बातचीत का सिलसिला प्रारंभ. ऐसे ही कई कदम जो कि इस क्षेत्र के लिए बहुत ही कल्याणकारी हो सकते हैं हमारी सरकार ने उठाए. अब हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात का फैसला किया, एक योजना प्रारंभ की है 14 अप्रैल से उन्होंने, आयुष्मान भारत. आयुष्मान भारत यदि झोपड़ियां लगी हुई है, इन झोपड़ियों का भी गरीब यदि बीमार पड़ जाएगा, आप में से भी कोई गरीब यदि बीमार पड़ जाएगा मेरे बहनों भाइयों, तो उसे उसके लिए हॉस्पिटल निश्चित कर दिए जाएंगे, और चाहे कितनी भी गंभीर बीमारी हो वह व्यक्ति उस अस्पताल में भर्ती होकर अपना इलाज करा सकता है. 5 लाख रुपए तक का वह इलाज करा सकता है. यह मुकम्मल व्यवस्था हमारी सरकार को लगातार अनाथ समाज के मुद्दे निशान बदनाम करने की कोशिश की जाती है. कभी कोई याद, कभी कोई याद, लोगों के द्वारा उछाले जाते. कल ही आपने देखा कि एक मामले में अदालत का फैसला है. हमारा कहना है कि हमारी सरकार यदि विकास करना चाहती है तो केवल अकेले अपने दमखम के आधार पर विकास नहीं करना चाहती है, बल्कि सारे राजनीतिक दलों को साथ लेकर इस देश का विकास करना चाहती है.